बसमिल आज हम सही बुखारी की हदीस नंबर सात हज़ार अट्ठासी पढ़ेंगे इनशा अज़ीज़ और इसको इमाम बुखारी रमा ने किताबुल फितन के अंदर ज़िक्र किया है और जिस बाब के अंदर जिक्र किया उसका नाम है बाब उतारबी फिलफना और यही रिवायत इमाम बुखारी रमा बाकी कुतुब के अंदर भी लेकर आएँ यानी बाकी जो किताबुल ईमान हो गया उसकी हदीस नंबर नाइनटीन है फिर इसके अलावा छत्तीस सौ और तैंतीस सौ और चौंसठ सौ पचानवे ये उन हदीस के नंबर हैं जो बुखारी शरीफ के अंदर इमाम बुखारी राम ने मुख्तलिफ अल्फाज के साथ इस रिवायत को मुख्तलिफ मकामात पर जिक्र किया है ये किताबलफ़ित हदीस है सात हज़ार अट्ठासी इस हदीस का नंबर है

हजरत अबू सैद खुदनी रली तरह अन करीब एक मुसलमान का बेहतरीन माल बकरियां होंगी ये एक इशारा है कि एक वक्त ऐसा आएगा कि जिसमें फितने आएंगे बहुत ज्यादा तो फरमाया अन करीब एक मुसलमान का बेहतरीन माल बकरिया होंगी जिनको वो लेकर पहाड़ों की चोटियों पे चढ़ जाएगा और फिर ऐसी जगह पर जाएगा जहां पर बारिश बरसती होगी बारिश बरसने के खास इलाके होते हैं पहाड़ी जहां पर बारिश बरसती है तो फरमाया कि पहाड़ की चोटी और बारिश बरसने की जगह पर वो उस माल को ले जाएगा और क्यों लेके जाएगा उस माल को उस बकरी को उस रेवड़ को क्यों लेके जाएगा क्योंकि वो अपने दीन को फितनों से बचाना चाह रहा होगा वो इसलिए वहां से चला जाएगा क्योंकि हर तरफ फितने ही फितने फैल जाएंगे तो अपने दीन को उन फितरों से बचाने के लिए वो वहां पर लेकर जाएगा तो इस अदीसे पाक में जो हजरत अबू सैद खुदरी रदी अल्लाह तमवी है इसके अंदर एक तो ये गनम उनका लफ्ज बोला गया है और दूसरा शाफ अल जिब्बाल व मवा की कतर बोला गया असल में बात यह है कि जो पहाड़ की चोटी होती है वहां पर लोगों का आना जाना कम होता है शहर के अंदर इलाका वाइज वो तो बहुत ज्यादा होता है और दूसरा जहां पर बारिशें बरसती हैं वहां भी लोगों का आना जाना ना होने के बराबर होता है तो गोया के बताया जा रहा है कि वो बिल्कुल आलहदा से एक अकेला होकर वहां से वहां पर चला जाएगा ताकि कोई भी उसको फितने में मुबतला ना कर सके फिर उसके बाद ये इशारा इस बात की तरफ है कि वो बकरियां साथ लेकर जाएगा असल में यह इशारा जो बकरियों के रेवड़ की तरफ है इसके अंदर भी एक मुरा, मुराद पेशीदा है वो ये है कि वो अपने साथ एक ऐसा रिजक लेकर जाएगा जो उसके लिए नफा बख्श होगा गोश्त उसका खाना होगा और दूध उसकी खुराक होगी जो वहां से मिलेगा और एक खूबसूरत तरीन जगह पहाड़ की चोटी और बारिश बरस रही हो वो है तो उतना लेकिन है बहुत खूबसूरत तो इसका मतलब है कि उसने उस शहर को छोड़ा है किसके लिए अपने दीन की कीमत और अहमियत की वजह से कि दीन एक इंसान के लिए कितना कीमती है और फिर जिस जगह पर गया है उसमें यह भी इशारा है कि अगर कोई किसी जगह पर चला जाएगा तो वह भूखा नहीं रहेगा अल्लाह इज़्ज़त उसके साथ रहेंगे तो ये इसमें एक इशारा था अब हम इस तरफ आते हैं इसको समझते हैं कि जो हजरत अबू सईद खुदरी रदी अल्लाह तु इस हदीस को रिवायत किया है उनके साथ उनका जो नाम है वो है साद बिन मालिक उनका नाम है और हजरत मालिक अबू सुद्री रदी खुदरी जो है वो उनका नस्बती नाम है और खुदरी ये यमन का एक मकाम है जिसका नाम है खुदरा वहां से ताल्लुक होने की वजह से आपको खुदरी कहा जाता है इस पर मेरी किताब है अलकाबुल मुहदसिन उसके अंदर मैंने जितने भी नस्बती नाम हैं उनको वाज कर दिया हुआ है और जो भी मुहद सिन कराम चाहे साहबा हों ताबिन हूँ या माबाद महदीसीने के राम कोई उनके नस्बती नाम या अलकाब के बारे में जानना चाहता है तो वो अलकाबुल मुहदसिन जो मेरी किताब है उसको पढ़ेगा तो उसको अच्छे से इसकी वजाहत वहाँ से इन शजीज मिल जाएगी अच्छा अब यहाँ पर एक सवाल है कि अगर फितना आता है कोई किसी किस्म का फितना आता है या जो रसूल सल्हली वसलम ने फरमायाकू करीब है जो अकाल सलात वसलाम ने फरमाया कि करीब है कि इस तरह का एक वक्त आएगा तो यहां पर हम ये समझते हैं कि अगर कुछ इस तरह के फितने हमारे माशरे के अंदर मौजूद हूँ तो हमें उस वक्त हमें फिर क्या करना चाहिए क्या हमें बकरियाँ खरीद के तो पहाड़ों की तरफ चले जाना चाहिए हर एक फितने के बारे में हुक्म है या प्यारे अकारी सलात वाम की इससे मुराद क्या है या आज जो हमारा ये दौर है आलम इस्लाम का इसके अंदर उसके बारे में क्या हुक्म है इस चीज को हम समझेंगे इस वक्त तो इसको मैं दो हिस्सों में तकसीम करना चाहता हूं एक एक ये है कि अगर कोई फितना मौजूद है मुख्तलिफ़ किस्म के फितने हैं जाहिर है, जाहर है ए, कोई मुख्तलिफ रियासतों का फितना है कोई कुफर की तरफ से फितना है कोई मुसलमानों के आपस में मसाइल हैं जिसकी वजह से वो फितना और आजमाइश के मामलात हैं तो इस तरह के कई ऐसे फितने हो सकते हैं तो उनके उनके दिफा के लिए या उनसे अपने दीन को बचाने के लिए हम क्या क्या तरीका इख्तियार कर सकते हैं और रसूल सल्ला वम की से पाक पर किस तरीके से अमल हो पाएगा इस चीज को हमने समझना जो कि बहुत जरूरी है क्योंकि बाद लोग ये समझते हैं कि आज भी अगर कोई इस तरह का मसला हुआ है तो हम यहां से चले जाते हैं और जाकर पहाड़ों में रहते हैं ठीक है तो किस वक्त प्यारे अक्सलात सलाम का ये फरमान जो है वो इम्प्लीमेंट होगा हमारे ऊपर तो ये बात जहन में रखनी है आपने जरा इसको हम दो हिस्सों में तकसीम करेंगे एक ये है कि हम खलवत नशीनी इख्तियार कर जाते हैं जिसको उजलत नशीनी जिसको तनहाई कहते हैं कि हम सब कुछ छोड़ छाड़ कर चले जाते हैं एक ये चीज है और एक ये है कि हम छोड़ कर नहीं जाते बल्कि हम लोगों के अंदर ही रहते हैं हम उसी अजतमा के अंदर रहकर उस फितने का खातिमा करते हैं ये दो चीजें जो है वो हमारे सामने इनमें से हर एक को हम समझते हैं आज के इस दौर में जब हम समझते हैं कि हम इजतम की खातिर मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं तो उस वक्त क्या होता है हम मस्जिद में जाते हैं हमें कोई खतरा नहीं है कोई ऐसा मसला नहीं है अलहमद पूरे सुकून के साथ मस्जिद में जाते हैं इतिकाफ भी करते हैं रहते हैं नमाज भी अदा करते हैं पांच वक्त मस्जिद में जाते हैं तो इस अजतमा से हमें कोई मसला नहीं इसी तरह जुमा की नमाज के लिए की नमाज है, वो पढ़ने के लिए जाते हैं और मुसलमान पूरी दुनिया से उम्रा के लिए जाते हैं है। तो मसला नहीं होता तो इसका मतलब है कि हमें इज्तम में रहने का भी हुक्म दिया गया है इसकी मैं और अब मिसाल देता हूं कि किस किसके लिए जरूरी है कि वो बाहर ना जाए वो उन लोगों में रहकर मुकाबला करे उस फितने का हर फितने के खात्मे का हल ये नहीं होता कि बंदा वहां पर निकल जाए बल्कि आप ये कह सकते हैं कि ये ये हदीस पाक अगर आप इसको उस माना में लेते हैं तो फिर आप ये भी कह सकते हैं कि वो फितनों का वो आखिरी दौर के जिसमें इंसान के पास और कोई हाल नहीं था ईमान बचाने का तो फिर वो वहां पर निकल गया है वरना इस हदीसे पाक के उमूम खसूस से हमें बहुत ज्यादा रहनुमाइयां मिलती हैं तो इसमें कौन कौन से वो लोग हो सकते हैं जिनका अलीदा जाना मना है जिनकी खलवत नशीनी उजलत नशीनी तनहा रहना उनका मना है एक वो इंसान जिसकी खलबत और उजलत अच्छी नहीं है जिसकी तनहाई अच्छी नहीं है वो जब तनहाई में जाता है तो गुनाह करता है तो उसके लिए लाजम है कि अपनी उस तनहाई और उजलत को खत्म करे और वो लोगों के जम्मे गफीर में आए और दूसरा एक वो इंसान है जो फारग रहता है तो बुरा सोचता है उससे गुनाह सरजाद होते हैं जब वो बिल्कुल फारिग रहता है लेकिन जब वो मसरूफ होता है किसी चीज में तो वो मसरूफियत की वजह से उससे गुनाह नहीं होते हम एक हमारे बड़े ही अजीज बड़े करीबी दोस्त हैं उनके बारे में उनके ग्रामी ने यह फरमाया था कि ये मेरा ऐसा रूहानी बेटा है कि ये इतना मसरूफ होता है अपने घर के और दीन के कामों में इतना मसरूफ होता है कि इसके पास गुनाह के लिए टाइम ही नहीं बचता तो इसका मतलब यह है कि जब बंदा अगर इस तरह फारिग रहे तो गुना हो तो फिर उसको वो फ्राखत छोड़कर फिर उसको आना होगा ताकि वो अपने आप को मसरूफ करे क्योंकि गुना भी एक आजमाइश है वो भी एक फितना है तो उससे बचने के लिए उसने इस तरह करना है फिर उसके बाद ऐसा शख्स के जो साहिब इल्म है आलिम है और वो घर में बैठ जाता है या कहीं जाकर जो है वो खलवत नशीन इख्तियार कर जाता है तो फिर कौम की असलाह किसने करनी है उसके लिए लाजिम है कि वो बाहर निकले और लोगों के जो भी मामलाते हैं कोई फितने पैदा हुए जिस तरह आज कितने फितने पैदा हो रहे हैं तो लमा अगर अपने घरों में आराम फरमाएंगे तो फिर वो फितने तो मजीद जन्म लेते रहेंगे और फिर वही कहेंगे कि अब क्या हुआ है तो शिकवाए शब जुल्मत से कहीं बेहतर था अपने हिस्से की शमा जलाते जाते तो फिर अपना अपना किरदार अदा करना चाहिए जब उ को पता चले कि ये दौर फितने का आ गया है और फितना कभी अफकार का होता है कभी अजसाम का होता है कभी मैशत का होता है कभी आपकी रियासत की तबाही का होता है हर किस्म का होता है तो जो जैसा फितना हो अगर कोई रियासत की तबाही तो का, का, का हो तो रियासत उसका दिफा करेगी अफकार का अकायद का ख्याल का हो तखुलात का हो इस तरह का कोई भी इशू हो तो फिर उस सूरत में क्या करना है उस सूरत में फिर उल्ला ने अपने घरों से निकलना है और घरों से निकल कर किरदार अदा करना है तो ये वो लोग हैं जो खलवत नशीनी इख्तियार नहीं कर सकते इसी तरह माँ बाप के लिए एक पैगाम है कि जो अपने बच्चों को मोबाइल देते हैं और वो जाकर एक अलहदा कमरे में बैठ कर सोशल मीडिया को देखते हैं और फिर ये नहीं पता कि वो क्या देख रहे हैं तो ये चूंकि एक फितना है जब उसको अच्छा इस्तेमाल ना किया जाए तो ये एक फितना है तो माँ बाप को चाहिए कि उस बच्चे को उस खलवत से निकालें और अपने पास बिठाएं तो इस तरह कुछ चीजें ऐसी हैं कि जो खलवत में आपको नुकसान देती हैं तो उसमें आपने खलवत नहीं, जलवत इख्तियार करनी है आपने अकेले नहीं रहना आपने लोगों में आकर रहना है तो तब यह समझा जाएगा कि आप हकीकतन उस फितने का दिफा कभी फितने जगह को छोड़कर जाने से खत्म होते हैं और कभी फितने दिफा करने से खत्म होते हैं अच्छा यह एक बात थी अब दूसरी रही बात उजलत की इंसान को अलहदगी इख्तियार करनी पड़ती है बहुत सारे मामला में तो उसमें जो उसने तनहा होना है उसके मुख्तलिफ मुख्तलिफ तरीके हैं मसलन एक बंदा है वो सोशल मीडिया यूज करता है एक इलाका है वहां पर सारे लोग वो इस्तेमाल करते हैं वो सोशल मीडिया के साथ अटैच है और वो उसको गलत इस्तेमाल करता है अच्छा इस्तेमाल करने में कोई अर्ज नहीं बयान सुने अच्छे स्कॉलर्स की कुरानी बाकी की तिलावत सुने ना सुने हर चीज़ उसके अंदर मौजूद है लेकिन गलत चीज इस्तेमाल न करें अब जो बंदा ये समझ रहा है कि उससे सोशल मीडिया का इस्तेमाल गलत हो रहा है तो अब वो उस फितने से अलग कैसे होगा वो तर्क कर देगा मोबाइल को जब तक कि वो अच्छे रास्ते पर नहीं आता वो उसको छोड़ देगा अब उसकी उस फितने से खलवत ये है कि उस चीज को तर्क करेगा वो ये उसकी उस फितने से खलवत है इसी तरह अगर एक इलाके के अंदर मुश्किलेंत पैदा हो गई हैं कोई आलम दीन है दीन की बड़े इखलास के साथ तबलीग कर रहा है लेकिन कुछ लोग बहुत ज्यादा तंग कर रहे हैं यहां तक कि उस आलम दीन को वो कत्ल करने के दर पे हो गए हैं तो उनकी उजलत यह है कि वो उस इलाके को छोड़कर किसी अच्छे इलाके में चले जाए और वहां पर जाकर दीन वो उस इलाके को छोड़कर कहीं ए, जाकर किसी हुजरे में बांधना हो जाए बल्कि किसी पुर अमन इलाके में चले जाए और वहां जाकर हां अगर उसको पूरी दुनिया के अंदर यही खदशा है और उसको ये किसी हद तक वाकया ही उसको पता है कि ऐसा हो जाएगा और मुझे मार दिया जाएगा तब अब वो अपनी उजरत और खलवत जो है वो जाकर इख्तियार कर सकते हैं इसी तरह गैर इस्लामी रियासतों के हाँ जब किसी मुल्क के अंदर दखल अंदाजी होती है तो वहां के जो स्कॉलर्स होते हैं उनके ऊपर हमले किए जाते हैं तो उस सूरत में भी वो अपनी रियासत से किसी और रियासत में जा सकते हैं या खलवत उजवत उजलत जो है वो इख्तियार कर सकते हैं अच्छा इसके अलावा या फिर बंदा किसी ऐसे काम में मसरूफ हो जाए कि जिस एक काम में उसकी रुकावट आ रही है तो किसी और काम के अंदर वो अपने आप को मसरूफ कर ले ताकि उसको उसका नुकसान ना उठाना पड़े उसके दीन का नुकसान ना हो उसकी जात का नुकसान ना हो उसका अपना नुकसान ना हो तो उसको थोड़े अरसे के लिए उसमें खामोशी इख्तियार कर ले तो ये चीज तो अल्लाह के फजल करक्रम से आप समझ चुके होंगे अब यहाँ पर एक बात मैं बड़ी अहम करना चाहता हूँ बाद लोग जो है ना वो एक एक दलील को पकड़ के तो वो कहते हैं छोड़ो यार ये या हमसे नहीं होता और दिल हार जाते हैं और दिल हार कर वो छोड़ के चले जाते हैं और फिर पीछे लोगों का नुकसान होता है लेकिन ये वो बात है कि जब आप हद आखिर को पहुंच चुके हों और आपके पास उसका कोई हल ना हो और जब आपके पास हल हो तो आप उसका हल निकालें बाद लोग ये कहते हैं कि हजरत सलमा बिन अकवा जो थे वो रबजा चले गए थे तो वहाँ पर हजरत ऊस्मान गनी रती के दौर में एक फितना बुरपा हुआ था तो जब आप शहीद हुए थे तो वो छोड़ कर चले गए थे इस फितने की वजह से तो वो अकेले अकेले गए थे उनका फैसला था और वह जो उनका फैसला था जाहिर है वो सहाबी रसूल थे वो भी ये सलाहियत रखते थे कि वह फैसला करें तो इस तरह के फैसले अगर उनमें कुछ शख्सियात करती हैं तो वो काबिल कबूल होता है इसी तरह कई लोगों ने एक जगह से दूसरे जगह पर हजरत की है या वो छोड़कर गए तो उन्होंने उसमें तहकीक की देखा कि वो उनके लिए बेहतर है तो वो वहां से चलेंगे लेकिन अगर आप कहें कि हर जगह कौन वाकयात को इंप्लीमेंट किया जाए तो ये नहीं होता आपने देखना होता है कि आपके साथ वाक्य क्या पेश आ रहा है कौन सा ऐसा मामला आपके साथ पेश आ रहा है तो आप उसको अब देखिए मिसाल के तौर पर सोशल मीडिया पे इस वक्त बहुत ज्यादा फितने बहुत ज्यादा फितने हैं और ए, पता ही नहीं कि किसी का मकसद क्या है क्यों क्यों इस तरह कर रहा है मिसाल के तौर पर अगर आप कहें कि कोई नॉन मुस्लिम कोई भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो गूगल के ऊपर हदीसें अपलोड करती है और उसके हवाले गलत होते, है, गलत होते है हैं बातें गलत होती हैं ताकि नौजवान जो है वो गुमराह हो जाए तो ऐन उस सूरत में फिर उलमा का किरदार आ जाता है सामने और उनका भी किरदार जो हदीसें गूगल से जाकर पढ़ते हैं वो अपने वो से रबे करके अपने वो मसाइल हल करें तो इस तरह हम जो भी फितना आता है उसका हम इस तरीके से बेहतर अंदाज में या तो दिफा कर सकते हैं अगर वो हमारे बस में ना हो तो फिर प्यारे अकाल सलातलाम के इस फरमान के मुताबिक फिर हम उजरत नशीनी इख्तियार कर सकते हैं तो ये जो आज हमने हदीसें पाक पढ़ी बाबू तार्फित की ए इमाम बुखारी रहमोल्ला ने किताबुलफित न के अंदर इसको जिक्र किया है और इसका नंबर है सात हजार अठासी इसका नंबर है